यानी कि कुछ मीठा रेसिपी जो हमारे घर में ज्यादातर बनता है, लेकिन ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। तो इस रेसिपी में मैं दिखा रही हूँ सूजी की हलवा, यानी कि रावा की हलवा भी आप बोल सकते हो। तो हम ज्यादातर क्योंकि लॉकडाउन है, अभी हम बाहर नहीं जा पा रहे, तो हम जो घर में अवेलेबल होते हैं उससे हम बना सकते हैं। तो सूजी लगभग हर किसी के घर में रहता है, तो इसे अगर आप डिजर्ट के तरीके से भी खा सकते हो, एंड ट्रस्ट मी सूजी की हलवा बहुत ही यमी होता है। तो आप अगर चाहें तो इसे प्रसाद, अगर आप हल्का फुल्का प्रसाद के जैसा यूज करना चाहते हो आप उसे यूज कर सकते हो, एज एन डिजर्ट यूज कर सकते हो, शाम को स्नैक्स एज एन यूज कर सकते हो। ये जो सूजी का हलवा बहुत ही हेल्दी होता है, और ये भी बता दूं कि इसमें ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करना होता, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है और बहुत हेल्दी होता है, मैंने पहले भी बोला है। तो मैं दिखाऊंगी कि इस वीडियो में सूजी की हलवा यानी कि रावा की हलवा कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और आइए चलते हैं, दिखाती हूँ कि सूजी की हलवा कैसे बनती है। तो उसके लिए मुझे चाहिए रावा यानी कि सूजी, ये आपको बाजार में मिल जाएगी, ये रोस्टेड वाला है, ये थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होके आता है। तो मैंने इसके लिए, क्योंकि हम दो आदमी है, इसलिए मैंने रोस्टेड रावा लगभग आधा कटोरी से हल्का ज्यादा लिया है। फिर मैंने उसके साथ लिया है काजू, कटे हुए कुछ काजू, कटे हुए नारियल, सूखे नारियल, दो तेज पत्ते यानी कि बे लीव्स, और चार मैंने लिया है छोटे छोटे इलायची। घी चाहिए हमें और चीनी, और उसके बाद मैंने लगभग दो ग्लास गर्म पानी ऐसे उबाल के रखा है। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि सूजी का हलवा कैसे बनाते हैं। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक चम्मच घी डाल रही हूँ। अच्छे से इसको ऐसे मिक्स कर, क्योंकि कढ़ाई गर्म था तो देख सकते हो आप कि घी मेरा पिघल गया है। अब इसमें साथ ही साथ जो कटे हुए मेरे काजू थे इसे मैं यहाँ पर डाल दूँ, और इसे मैं हल्का ब्राउन करूंगी ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्प हो, और घी के साथ जब इसका फ्लेवर निकले बहुत ही अच्छा निकलता है। उसके साथ मैं नारियल भी डाल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये फ्राई कर लूंगी, इसे लगभग दो मिनट के लिए आप ऐसे हल्का आंच में ऐसे घुमाइए, घी पे रोस्ट कर लीजिएगा। तो ये लगभग दो मिनट के बाद देख सकते हैं आप कि ये रोस्ट हो चुका है। अभी मैं इसे निकाल के प्लेट पे रख लूंगी। तो मैंने काजू निकाल लिया था, काजू और नारियल। इसके बाद फिर से मैं एक चम्मच घी डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म रहता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, घी डाल देना है और ये ऐसे ही पिघल जाएगा। उसके बाद जो मेरे पास दो तेज पत्ते थे मैंने यहाँ पर डाल लिया ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकले। बस एक सेकंड के लिए आपको ऐसे घुमाना है घी के अंदर, जो सूजी है मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप इसे फिर क्योंकि ये रोस्टेड है तो हमें ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, तो इसे मैं लगभग 3 से 4 मिनट ऐसे हल्के आंच पे भूनूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो ना जाए। ध्यान रखिएगा इसको चलाते रहिएगा ताकि ये जल ना जाए नीचे से। दो से तीन मिनट के बाद मैंने ये जो मेरे पास इलायची थे, चार टुकड़े इलायची, थोड़ा सा मैंने इसे स्मैश कर लिया था ताकि इसका फ्लेवर अच्छा से निकले, मैंने इसे फिर से डाल दिया, और इसे फिर से अभी मैं और लगभग 2 मिनट के लिए भूनूंगी जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो ना जाए। यह हल्का सा ब्राउन हो जा रहा है, तो अभी मैं इसमें जो मेरे पास रोस्टेड काजू और नारियल था इसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये आप एज एन डिजर्ट खा सकते हो, ये बहुत ही यमी लगता है। अगर आपके घर में कुछ त्यौहार है, आप कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो आपके पास ज्यादा कुछ बनाने, इस लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा कुछ बनाने वाला है नहीं, तो आप इसे डिजर्ट के टाइप यूज कर सकते हो, और ये बहुत ही हेल्दी एंड यमी भी होता है। कि मेरे पास आज सिर्फ ये सूखे वाले नारियल और काजू अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये काजू और नारियल दिया है। लेकिन आपके घर पे अगर कुछ भी ड्राई फ्रूट होगा, जैसे कि आलमोंड हो गया, किशमिश हो गया, ठीक है, बादाम हो गया, ये सब भी आप देख के इसे बना सकते हो, और ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप जरूर इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। तो ये मेरा भून के रेडी हो चुका है, ये हल्का ब्राउन हो चुका है, मुझे ज्यादा भी ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड वाला सूजी था, रावा था। तो क्योंकि हर कोई अलग अलग नाम से बोलते हैं, हम लोग सूजी बोलते हैं, और दूसरे देशों में या फिर दूसरे स्टेट पे इसे रावा भी बोला जाता है,
हम एसएमएस में या बंगाली में इसे सूजी बोलते हैं, तो इसलिए मैंने सूजी बोला है। और अभी ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो इसे अभी मैं इसमें, क्योंकि हमें मीठा खाना पसंद है, आप मीठा आप अपने स्वाद अनुसार, अगर आपको मीठा कम खाना है तो आप चीनी कम डालिएगा, अगर आपको मीठा ज्यादा खाना है तो आप इसमें चीनी ज्यादा डालिएगा। तो हमें चीनी ज्यादा खाना यानी कि मीठा ज्यादा खाना पसंद है, तो इसमें लगभग मैं 4 चम्मच, ऐसे छोटे चम्मच 4 चीनी डाल रही हूँ। और फिर से इसे लगभग 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि चीनी और सूजी पूरा मिक्स हो जाए। तो मैंने गर्म पानी करके रखा था, इसे ठंडा पानी नहीं देना है, इसे गर्म पानी से ही आपको पकाना है। तो इसे आपको बस हल्का हल्का सा गर्म पानी देकर ऐसे मिक्स करना है, एक ही बार में पूरा पानी मत दीजिएगा, हल्का हल्का पानी देकर इसे ऐसे मिक्स करना है, हल्का हल्का पानी देकर ऐसे मिक्स करना है। मेरा लगभग मैंने 1 ग्लास लिया था, लेकिन मुझे 1 ग्लास पानी देना नहीं पड़ा, मैंने 1/2 ग्लास से पानी दिया है। और फिर इसे हल्के आंच पे ऐसे घुमा घुमा के पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसे आपको ऐसे हल्के हल्के हाथों से घुमाना है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सूजी का हलवा बनाते हो तो प्लीज अपने गैस को या फिर इंडक्शन को बिल्कुल ही हल्के आंच पे रखिएगा, नहीं तो क्योंकि सूजी बहुत ही हल्का होता है वो जल जाएगा। तो इसलिए मैंने बहुत ही हल्के आंच पे सूजी को पका रही हूँ मैं, और ऐसे आपको हिला के रहना है ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए और जल ना जाए। तो ये पानी पूरा सूख गया है, और आप देख सकते हो ये कढ़ाई से अच्छी तरह से तेल छूट के निकल रहा है, यानी कि आप मैंने जो घी डाला था ये छूट के निकल रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, इसे आप गरम गरम खाइएगा, बहुत ही यम्मी होता है। तो ये बिल्कुल अभी रेडी हो चुका है, इसे मैं अभी निकाल के आपको दिखाती हूँ, और ये आप प्लीज अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा है। तो ये रहा मेरा सूजी का हलवा, आप जरूर इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनता है, और इसे गरम गरम खाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप अगर पूरी बना रहे हो, पूरी के साथ भी आप इसे खा सकते हो, बहुत ही यम्मी होता है। तो आज मैंने दिखाया है आपको सूजी का हलवा घर पे कैसा बनाया जाता है, आप प्लीज इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसी वीडियोस अगर आपको डेली देखनी है और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियोस पे लाइक कमेंट शेयर तो जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आप डेली देख पाए। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।